हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाउ मच टाइम इट टुक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो हमारे पास क्या है, टू क्वेश्चंस हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस को हम देखें तो इन दोनों क्वेश्चंस का कंपोजिशन क्या है, सेम है। पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि पूछ रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन बताना है, और ये भी बताना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें कितना टाइम लगा था। और दूसरे क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया था। इसको एग्जाम्पल्स के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को। सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इट वॉज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विच सिट्स टुगेदर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था, एक बॉडी था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि एक साथ बैठ के क्या काम करते थे, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया जाए उसके ड्राफ्ट को प्रिपेयर करते थे। नाउ लेट अस मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, विच इज कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या कंपोजिशन था। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस। असेंबली में कौन थे डोमिनेट, कौन कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकेंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिसेस सरोजनी नायडू वेयर इट्स प्रोमिनेंट मेंबर। इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये सब सारे लोग क्या थे, इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट। देर वर मोर देन 30 शेड्यूल कास्ट मेंबर्स। में क्या थे, 30 शेड्यूल कास्ट मेंबर भी थे। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर प्रेजेंट। तो इसमें क्या थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स भी थे जो प्रेजेंट थे। तो नाउ अब एक पार्ट इसमें छूट रहा है कि हाउ मच टाइम इट टुक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था, इट टुक 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।